डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट प्रणाली से ट्रांजैक्शन के समय को एक घंटा बढ़ा दिया है। अब ग्राहक 26 अगस्त से सुबह 8 बजे की बजाय सुबह 7 बजे से ही आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने बीते दिनों कहा कि आरटीजीएस प्रणाली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए यह तय किया गया है। आरटीजीएस के परिचालन समय को बढ़ा दिया जाए। आपको बता दें कि यह सेवा सुबह 7 बजे से शुरू होगी, तो वहीं कस्टमर ट्रांजैक्शन का समय शाम 6 बजे तक का होगा। तो वहीं अगर बात करें इंटर बैंक ट्रांजैक्शन की, तो इसका समय 7:45 तक ही होगा। वैसे आपको बता दें जो कदम उठाया गया है इससे लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आरटीजीएस प्रणाली क्या होती है। दरअसल आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनी ट्रांसफर का कार्य रियल टाइम में ही तुरंत हो जाता है। इससे व्यक्तिगत खाता धारकों या समूहों में ग्राहकों का फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सिस्टम मुख्यतः बड़ी राशि के ट्रांजेक्शन के लिए प्रयोग होता है। इसके माध्यम से न्यूनतम 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। वही ट्रांजेक्शन की अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं होती है। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।